लेकिन जर्मनी में जारी नेटो के हवाई अभ्यास के जवाब में रूस ने भी जापान सागर में अपना दम दिखाया। रूस के इस सैन्य अभ्यास में उसके युद्धपोत और खतरनाक लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाते नजर आए, जिसका एक वीडियो रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में जापान सागर में मौजूद रूसी जहाजों से बमों की बारिश होती नजर आई। इस दौरान रूसी वायुसेना के बड़े बड़े विमान समंदर में मौजूद उसके युद्धपोतों से उड़ान भरते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने ये सब नेटो को जवाब देने के लिए किया, क्योंकि नेटो ने एक दिन पहले ही जर्मनी में अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास की शुरुआत की है, जिसे पुतिन के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था। माना जा रहा है कि नेटो के इस ऐलान के बाद ही रूस ने जापान सागर में ड्रिल करने का फैसला लिया, ताकि नेटो को अपनी ताकत दिखाई जा सके। इस बीच यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि जंग में जेलेंस्की की सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए नेटो हथियार बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बनाएगा। खबर है कि इस मुद्दे पर नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की गुरुवार को अहम बैठक भी होगी, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि जंग में जेलेंस्की की सेना को किस तरह जल्द से जल्द घातक हथियारों की सप्लाई हो सके। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक नेटो इसके लिए हथियार बनाने वाली कई कंपनियों पर दबाव बनाएगा, ताकि युद्ध में यूक्रेन कहीं से भी कमजोर न पड़े। और युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार दिए, और इन देशों में मौजूद हथियार बनाने वाली कंपनियां लगातार यूक्रेन की जरूरतें पूरी करने में जुटी हैं। इसी तरह यूरोप के कई दूसरे देशों की कंपनियों ने भी हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया। लेकिन खबर है कि नेटो अब इन मददगार देशों पर इस बात के लिए दबाव बनाएगा कि यूक्रेन को हथियार मिलने में देर न हो। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन को स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। बताया गया कि अमेरिका जल्द जेलेंस्की की सेना को बख्तरबंद गाड़ियों की नई खेप भेजेगा, ताकि यूक्रेन के जवान रूसी सेना के आगे कमजोर न पड़े। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के मैदान में यूक्रेन की कई स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन दावा किया गया कि जैसे ही इसकी जानकारी अमेरिका को मिली, उसने तुरंत यूक्रेन को स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों की नई खेप भेजने की तैयारी कर ली। ये दोनों ही अमेरिका की दमदार बख्तरबंद गाड़ियां हैं। स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी तो बर्फ, कीचड़ और रेत हर तरह के रास्ते पर दौड़ सकती है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को और ज्यादा गोला बारूद भी देगा। इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में 7 जून को कोर्ट परिसर के अंदर हुए संजीव जीवा हत्याकांड के आरोपी विजय यादव के घर वालों से पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 4 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि विजय यादव पिछले 3 साल से मुंबई में रह रहा था, और वो 3 महीने पहले ही अपने घर लौटा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई से यूपी के जौनपुर लौटने के बाद वो कुछ दिन तक घर पर रहा, लेकिन 11 मई को विजय यादव अचानक गायब हो गया। और आरोप है कि 7 जून को उसने लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर पेशी पर आए गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मार दी थी। इसी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए लखनऊ पुलिस जौनपुर में विजय यादव के घर पहुंची और उसके घर वालों से बातचीत की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने विजय यादव के माँ बाप और उसके भाइयों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की, और इस दौरान पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि कहीं शूटर विजय यादव किसी गैंग से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि दावा ये किया गया था कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक आदमी की हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में छिपा दिया गया। उसकी हत्या का शक दूसरे समुदाय के परिवार पर जताया गया। आरोप है कि हत्या करने के बाद शव को एक बोरे में भरकर जंगल में एक पत्थर के नीचे दबा दिया गया, जिससे किसी को घटना की जानकारी न हो। लेकिन शव से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसने जंगल से उस बोरे को बाहर निकाला, जिसमें पुलिस को एक आदमी के शव कई टुकड़ों में बरामद हुए। पुलिस ने उसकी पहचान हिमाचल प्रदेश के सिंगड़ी इलाके के रहने वाले 21 साल के मनोहर लाल के रूप में बताई। पुलिस ने जानकारी दी कि मनोहर लाल 6 जून से लापता था, और उसके परिवार ने हत्या का शक दूसरे समुदाय के लोगों पर जताया, क्योंकि मनोहर लाल की उस परिवार की एक लड़की से बातचीत होती थी। इसी आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। मामले में अभी तक 3 संदिग्धों को हमने डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है। मामला 2 समुदायों के बीच का होने की वजह से अब इसमें कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी जुड़ गए।